वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। आप सभी की मांग पर मैंने आज से प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप सभी निश्चिंत होकर पूरा वीडियो को देखें। और साथ ही साथ आप लोग अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा झारखंड लोक सेवा आयोग है, वो दो पत्रों की परीक्षा लेती है। प्रारंभिक परीक्षा में पहला पत्र है आपका जो है सामान्य अध्ययन पत्र वन, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछते हैं। आज हम पहला जो सेट है वो सामान्य अध्ययन से स्टार्ट करते हैं। इसके पश्चात दूसरा सेट झारखंड से भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो यहाँ जो प्रश्न है हमारे पास, उन प्रश्नों को ध्यान में देते हुए और 50 प्रश्नों का जो एक श्रृंखला है हमारे पास, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 8 राज्यों के एक संघ था, उस संघ के रूप में उसे जाना जाता है। तो कहा गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, उन ऑप्शनों में अगर ध्यान देंगे तो गंधार, बज्जी, कौशल और अवंती है। तो यहाँ पर दोस्तों बज्जी जो होगा वह सटीक आंसर वही होगा, क्योंकि बज्जी जो था वह 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था। बज्जी जो संघ था वह 8 राज्यों का एक संघ रहा है बज्जी। तो वहाँ पर क्या था, इसका जो राजधानी भी थी वैशाली या विदेह थी इसकी राजधानी। तो इस प्रकार से भी यह जो संघ है वह इम्पोर्टेंट रखता है। और इसे जानने के लिए आपको दो चीज़ों को जानना जरूरी है। पहला बात तो कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है और यह 8 राज्यों का संघ रहा है। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्न में से जो सल्तनत काल में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था। इसमें ऑप्शन आपका है इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने आपका जो है घोषणा पत्र प्राप्त किया था खलीफा से, और 1229 ईस्वी में इन्होंने कहाँ के खलीफा से लिया था घोषणा पत्र, तो वह है आपका बगदाद के खलीफा से घोषणा पत्र उन्होंने ले लिया था। तो इस प्रकार से वे बगदाद के खलीफा का घोषणा पत्र के अनुसार अपना शासन कर रहे थे। इसके पश्चात देखिए प्रश्न जो दिया है तीसरा नंबर का, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से सत्याग्रह का प्रमुख हथियार कौन था। तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें से कूट का मिलान करते हुए मतलब आपको सही सटीक आंसर लेना है। इसमें ऑप्शन पहला है कि असहयोग, हड़ताल, प्रदर्शन या सविनय, इन सभी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो आप देखें कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह का हथियार के रूप में जिसे चुना था वह क्या था। तो सत्याग्रह का हथियार के रूप में उन्होंने असहयोग और सविनय को चुना था, यानी कि एक नंबर और चार नंबर का। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन आता है बी, वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी आपके यहाँ पर मारेंगे। इसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है किस स्थान में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पर अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। आप लोग बंदोबस्ती व्यवस्था में जानते हैं रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इस टाइप का जो बंदोबस्त हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में, उसी के बारे में यह बात करता है। तो उसमें से आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किस जगह में की गई थी। प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश और पंजाब, दक्षिण पश्चिम प्रोविनेंस और पंजाब, मद्रास और मुंबई, बंगाल और बिहार। तो आप लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा वह मद्रास और बिहार होगा। नहीं जानते हैं फिर भी जान ले, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन आपके पास है भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, भारत और ईरान। तो यह जाने कि पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैं मुख्य बात है कि इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि लगता है कि पाक जल संधि नाम है तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा या पाकिस्तान या श्रीलंका के बीच में होगा, परंतु ऐसा नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जिनके नाम पर ही यह जल संधि का नाम रखा गया है, पाक जल संधि, तो इस कारण से वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गर्म मसालों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गर्म मसालों का क्षेत्र कौन सा होगा इस बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन दिया गया आपके पास, दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या सुंदरबन का डेल्टा। तो देखिए दोस्तों, गरम मसाले जो होते हैं वही इसमें आते हैं, तो गरम मसाले में काली मिर्च जो है, इलायची, दालचीनी वगैरह, तो वह मालाबार तट में प्रमुखता से मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर मालाबार तट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है अंकारा, टोक्यो, मस्कट या रियाद। आप सभी जानते हैं कि तुर्की की राजधानी अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। आठवां प्रश्न है कि आपका इराक का मुद्रा क्या है? तो इराक का मुद्रा आपका दिनार है, इराक का मुद्रा जो है वह दिनार है, तो दिनार में हम टिक मारेंगे, दिनार जो है वही सही आंसर होगा। इसके पश्चात आते हैं, भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारत संघ में नए राज्य की स्वीकृति देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या सांसद, संसद। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है राज्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो इसमें स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? संसद जो है वही स्वीकृति प्रदान करेगा, यानी कि इसका आंसर होगा संसद। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करा? प्रश्न थोड़ा फंसाया हुआ है दोस्तों, बोल रहा है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों, आप लोग को पता है कि कभी कभी ऑप्शन कन्फ्यूजन कर देता है, 12 है, 10 है, 16 है और 14 है ऑप्शन में, तो कुल जब बोला जाएगा तो राज्यसभा में वे 12 सदस्यों को और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिस्टम हटने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जीएस का प्रश्न है तो पूछा जा सकता है, टेंशन नहीं लेना है, इसको वैसे ही मार देना है। 14 का जो है वह करते हैं। इसके पश्चात है कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? भारत का लोकतंत्र को सुनिश्चित कौन करता है? तो इसमें जो लोकतंत्र को सुनिश्चित करने का जब भी बात आएगा तो ध्यान रखेंगे कि जो सबसे नीचे का पायदान है वही आएगा, यानी कि लोकतंत्र जनता से संबंधित है और सबसे नीचे जनता है, यानी कि पंचायती राज सबसे नीचे है, तो पंचायती राज यहाँ पर आंसर होगा। बोला मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सरकारी कर राजस्व वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के साथ सुधार, या क्या है इसका सही आंसर? तो अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को बाहर करना ऑप्शन में है आपका। तो 12 नंबर जो है प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आंसर उसका सी होगा, मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका सही आंसर होगा, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? लोक राजस्व, लोक व्यय और कर्ज, बैंक दर नीति या एक एवं दो दोनों? तो राजकोषीय नीति लोक राजस्व और जो लोक व्यय और कर्ज है दोनों से संबंधित होता है, तो लोक व्यय और कर्ज दोनों से संबंधित होता है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सटीक आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात आते हैं कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं अफगानिस्तान, जर्मनी एवं फ्रांस। तो आप लोग सभी जानते हैं यह जो मैकमोहन रेखा है भारत एवं चीन के बीच में है, तो भारत एवं चीन इसका सटीक आंसर होगा और यही आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? जिस ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, सुरेखा शंकर यादव, तारा चेरियन या चंद्रमुखी बसु।
तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसके अनुसार जो आंसर होगा वह होगा प्रेमा मुखर्जी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी पहली ऐसी महिला सर्जन है जो भारत में पहली महिला सर्जन होने का गौरव रखती है। इसमें एक प्रश्न आपका है जो 16वां नंबर, विश्व हिरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुनने में थोड़ा अजीब है परंतु क्वेश्चन सटीक है। विश्व हिरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ऑप्शन है 23 अप्रैल, 26 नवंबर, 2 अप्रैल या 18 अप्रैल। तो आपने देखा कि विश्व हिरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हिरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और यही इसका सटीक आंसर होगा। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद रहमान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद रहमान खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? इसमें ऑप्शन दिया गया आपका तबला, सरोद, पखावज या संतूर। तो रहमान खां का संबंध जो है, रहमान खां का संबंध जो है वह पखावज से है। रहमान खान पखावज बजाते हैं, इसलिए वो आंसर आपका पखावज होगा। हाफ वाली खेल का संबंध किस खेल से है? हाफ वाली खेल किस खेल में होता है? जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ वाली खेल का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन दिया गया है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। आप लोग हाफ से हॉकी याद रखेंगे, हाफ वाली खेल हॉकी से संबंधित है। और यह खेल क्यों हॉकी से संबंधित है इसके बारे में भी बात करना है, क्योंकि यह जो ब्लैक हीथ एवी क्लब जो है 1861 में एक संगठित क्लब बना था, उन्हीं ने इसका नाम को हाफ वाली हॉकी रखा था। लॉन टेनिस खेल का विकास किस देश में हुआ था? आपका 19वां प्रश्न है, लॉन टेनिस खेल का विकास किस देश में हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, चीन या फ्रांस। तो आपका सटीक आंसर होगा इंग्लैंड। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? 20 नंबर का प्रश्न, मिजोरम, मणिपुर, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो यहाँ पर आपको पता है यह कर्नाटक से संबंधित है, तो यहाँ पर आप कर्नाटक को टिक लगाएंगे। इसके पश्चात है, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, करनाल, कोयम्बटूर या लखनऊ। 21 नंबर का प्रश्न आपको बोला है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली, करनाल, कोयम्बटूर या आपका लखनऊ। तो इसका सटीक आंसर आपका है कोयम्बटूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है, तो ज़रा ध्यान से दो बार पढ़ेंगे। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया, कब पारित किया गया है ये नहीं बताया गया या नहीं पूछा गया है। जीएसटी संविधान का 122वां संविधान संशोधन हुआ था, जो बिल 2014 में आपका जो है बिल को संसद में लाया गया था, और 2017 से 1 जुलाई 2017 से यह पारित हुआ था। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रस्तुत कब किया गया था, तो यह 2014 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 प्राप्त करने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन सा है? आप सोचेंगे कि 2018 का प्रश्न करंट नहीं होगा, परंतु झारखंड लोक सेवा आयोग में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, इसलिए 2 साल बैक का आपको करंट जो ये सब पुरस्कार सम्मान है ये सब याद रखना है। इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है, भारत बाटमानी, यूके छांग, मार्मेलो फोंटी या आलिया भट्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रश्न को देखा 2018 का है, तो 23 नंबर अगर आपने कंफर्म नहीं होना है तो फिर आप इसे नहीं मारेंगे या कोशिश करेंगे इसको पढ़ के जाने के 2018 से, तब आपका क्लियर होगा। देखिए 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों रूस, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड। इसका ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड। आप सभी जानते हैं खेल हो चुका है, यह रूस में हुआ था, तो रूस इसका सही आंसर होगा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में ही आयोजित किया गया था, सिन प्यूनान में इसका आयोजन हुआ था। एशियाई खेल 2018 का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? एशियाई खेल 2018 का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? प्रश्न नंबर 26 ध्यान से पढ़ेंगे, एशियाई खेल 2018 का
जो है विजेता कौन था। पहला स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट, अमित पंघल या शाह। आंसर होगा दोस्तों विनेश फोगाट, इसका आंसर होगा विनेश फोगाट। इसके पश्चात जो प्रश्न है वह प्रश्न है हॉकी विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन है। हॉकी विश्व कप 2018 का विजेता देश कौन रहा है। ऑप्शन है नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम या दक्षिण कोरिया। 27 नंबर का प्रश्न है जो कि बेल्जियम होगा इसका सही उत्तर, इसे हम बेल्जियम को टिक मारेंगे। इसके पश्चात जो प्रश्न है दोस्तों वह प्रश्न है 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा की दूरी की ओर, यानी कि 3 जनवरी 2019 को जो चंद्रमा के एक ऐसा यान उतारा गया था जो चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर उतरा था, वह यान कौन देश बनाया था। इसमें ऑप्शन है आपका अमेरिका, जापान, रूस या चीन। तो 28 नंबर का जो प्रश्न है इसका सटीक आंसर है आपका, 28 नंबर के प्रश्न का जो सटीक आंसर है वह चीन है। चीन जो है अंधेरे में तीर मारता है। पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह वेनु के सर्वेक्षण हेतु नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। नासा का जो अंतरिक्ष यान यह है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओरिसिस रेक्स। ये आप जान लें क्योंकि इसमें ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। 29 का बी नंबर ओरिसिस रेक्स, ओरिसिस रेक्स, रेक्स और आर ई एस याद रखेंगे। खेलो इंडिया किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ऐसा प्रश्न था 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया। 30 नंबर का प्रश्न आपको ऑप्शन है लखनऊ, चेन्नई, पुणे और दिल्ली, तो यह आयोजन आपका पुणे में किया गया था। तो इस प्रकार से इसका जो आयोजन है वह पुणे में होगा। अब यहाँ से कुछ हम साइंस का प्रश्न उतार देंगे जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 20 प्रश्न साइंस के और 30 प्रश्न आपके जो है जीएस के होने चाहिए, ताकि उसके बाद जो झारखंड से संबंधित है उससे 50 प्रश्न करेंगे। क्लोरोफाइसी के सदस्य का सामान्यता होती है क्या होती है। क्लोरोफाइसी में कौन सा कलर होता है, हरा, भूरा, लाल या पीला। तो आपको यहाँ पर जानते हैं आप हरे रंग से ही क्लोरोफिल होता है। इसके बाद है प्रश्न की जीवित कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं। जीवित कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं, जीवित कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं। इसको न्यूट्रोफिल, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या न्यूप्लासिया, इसे नेक्रोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस जो होता है वह जीवित कोशिका के मरने का जो है वह नाम है। इसमें कौन सा परजीवी शैवाल है, ऐसा शैवाल का नाम है जो कि परजीवी है। तो इसमें कौन परजीवी शैवाल का प्रकार है, यूलोथ्रिक्स, सिफेल्यूरस या उडोसानियम या सार्गासम। 33 नंबर का प्रश्न है यूरोसिनियस, सिफेल्यूरस, सार्गासम। आप लोग जानते हैं यह सिफेल्यूरस जो है यह आपका परजीवी शैवाल कहलाता है। रेजिंग किससे प्राप्त होता है, 34 नंबर का प्रश्न है रेजिंग किससे प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए अंगूर, रबड़, शंकुधारी वन, बरगद का पेड़। जब भी शंकुधारी वन दे तो आप आँख बंद करके शंकुधारी वन को मानेंगे। किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फल भूमिगत पाया जाता है, आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो आप लोग जानते हैं फ्रूट में मूंगफली ही आता है, जो नट्स होते हैं वो इसके नीचे बैठते हैं, और आलू जैसे तना है, प्याज शलकंद है, गाजर शंकुकंद है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे चूज वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है प्रश्न है वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है। यहाँ पर प्रश्न को समझेंगे, स्कंदित करने का मतलब है कि जमा देता है। इसमें है रेनिंग, पेप्सिन, रेसिन या साइट्रेट। तो यह दूध को जमाने में कौन सा एंजाइम काम करता है यह पूछा गया है। तो यह होता है दोस्तों रेनिन। रेनिन जो है दूध से दही बनाने का काम करता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है। आप लोग देखेंगे कि स्तनधारी कौन उड़ेगा, तो व्हेल तो उड़ता नहीं है, मुर्गी स्तनधारी नहीं है, छिपकली स्तनधारी नहीं है, चमगादड़ ही एक ऐसा दिख रहा है जो कि स्तनधारी है, तो चमगादड़ इसमें सही आंसर होगा। इस नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइबर आहार में शामिल है, फाइबर आहार, फाइबर क्या है,
38 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है वह फाइबर से संबंधित है। आजकल देखिएगा हर खाना में लिखा हुआ था हाई फाइबर हाई फाइबर, तो यह है क्या? 38 नंबर का प्रश्न में फाइबर आहार में जो है एक प्रकार का स्टार्च होता है यानी कि माड़, तो यह मुख्य रूप से सेलुलोज का ही होता है। तो ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा और सेलुलोज ऑप्शन दिया गया था जिसमें सेलुलोज आपका सटीक आंसर होगा। इनमें से कौन से पाचन अंग का अम्ल उपस्थित होता है? पाचन अंग का अम्ल कहाँ उपस्थित होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, अवशेषी अंग में या कोलोन में? कहाँ पर होता है आपका ये जो अंग है? तो यह अंग जो होता है वह आमाशय से ही होता है क्योंकि आमाशय से ही पाचन क्रिया आपका प्रारंभ होता है, वहीं से अम्ल का जो निष्कासन होता है। तो नवजात शिशु का श्वसन दर क्या होता है? नवजात शिशु का श्वसन दर 32 बार, 26 बार, 18 बार, 15 बार। इसे 32 बार से 50 बार गिनती किया गया है, परंतु आपके पास ऑप्शन वो नहीं है, यहाँ 32 बार आप मार सकते हैं। तत्पश्चात आपका प्रश्न है, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा का प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे का ऊर्जा अगर प्रयोग में लाएगा तो वह गर्म होगा जमीन, तो भूतापीय ऊर्जा होगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। द्रव्य तरंगे क्या है? ये प्रश्न थोड़ा जेपीएससी के लायक है। द्रव्य तरंगे है क्या? इसमें ऑप्शन डी, ब्रोगली तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यहाँ पर द्रव्य तरंगे जो होता है वह डी ब्रोगली जो तरंगे हैं वही द्रव्य तरंगे कहलाती है। डी ब्रोगली तरंगे जो होता है वह द्रव्य तरंग कहलाता है, तो डी ब्रोगली तरंगे को आप लगाएंगे। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? यह प्रकीर्णन के कारण होता है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वह नीला प्रकीर्णन है, तो आप यहाँ पर माई प्रकीर्णन है, पूर्व प्रकीर्णन है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। 43 का आप कुछ नहीं, नीला प्रकीर्णन है, लाल रंग से अधिक होता है, इसलिए इसे नीला प्रकीर्णन ही मारेंगे, आंसर सटीक होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड में ही होता है, आप जानते हैं प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में है। तो प्रकाश का वेग जब मीटर प्रति सेकंड में है तो यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड में जो ऑप्शन दिया गया है वह 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, बाद बाकी किलोमीटर प्रति सेकंड, मील सेकंड और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड में होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर सेकंड प्रति सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण? तो यहाँ संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? IR, FeF या JN? तो आप सभी जानते हैं आयरन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो फेरस होता है, यानी कि Fe होता है। छपाई में प्रयुक्त मिश्र धातु निम्न में से किसका मिश्रण होती है? छपाई में प्रयुक्त जो मिश्र धातु है वह किसका मिश्रण होता है? सीसा तथा तांबा की, सीसा तथा एंटीमनी की, सीसा तथा बिस्मत की या सीसा तथा जस्ता की? तो ऑप्शन आपका 47 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार छपाई में जो प्रयोग की जाती है वह है आपका सीसा तथा एंटीमनी की। छपाई में सीसा और एंटीमनी का जो है वह प्रयोग किया जाता है, यानी कि 47 का बी नंबर आता है। इसमें धातु में सीसा, टीन तथा एंटीमनी, टीन को भी शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन सा गैस रंगीन होता है? ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन रंगीन गैस होता है, ठीक है। तो इसके पश्चात जो दो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंजीन का खोज किसने किया था? एल हैगर, मिशेल फेराडे या ब्रूस एम या निकोलस एपर्ट? तो दोस्तों यह आंसर होगा मिशेल फेराडे। फेराडे महोदय को इसके लिए नोबेल भी मिला था। भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन कहे जाते हैं? भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक आप लोग जानते हैं, डॉक्टर US राव ऑप्शन में है, APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन में है, चिदंबरम है और होमी जहांगीर भाभा है। तो यह आंसर होगा आपका हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप लोगों के लिए सवाल है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है?
जो आप अब वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इस बारे में मुझसे बात करेंगे, और जैसा हो कोशिश करना है आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर उठाने के लिए, तो लगातार प्रैक्टिस सेट पर आप लोग ध्यान देंगे, और लगातार प्रैक्टिस सेट से जो भी प्रश्न मिल रहे हैं उन प्रश्नों को आप अपना कलेक्शन में रखेंगे और बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपना क्लासरूम सभी तरफ से तैयार है आप सभी की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए। धन्यवाद। जोहार। गुड डे।